फिर अभी तक मैं रात को मोजार्ट ये चीज़ें देखता हूँ, फिर राग देखता हूँ, फिर तबले की ताल देखता हूँ, फिर जैज म्यूजिक की क्या चाल है। और जैज़ में हमें कुछ सुनाए अभी आप। जैसे अच्छा मैंने सा, आपको मेरे ऑडियंस जो है ना वो सुनना चाहती है, हमारे लिसनर्स और फिर हमारे रेडियो की आवाज़ के जो व्यूअर्स हैं। ब्लूज जो जैज से ही निकला है, ओके, मतलब ब्लूज म्यूजिक वो है जो जिसके एक्सप्रेशन होते हैं, जिसकी एक कहानी होती है, जिसकी एक फीलिंग होती है। ठीक है, इसका अपना मूड है। अब इसी में आप अगर चले जाते इसी में वो बनाया, इसी स्केल में आप सुर हैं, जैसे आप कहते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं, सही सुर है। ये हार्मोनिक माइनर स्केल जिसमें आ जाए ला रा रा, यानी सा गा पा, ये हार्मोनिक तीन नोट मिल के इसको कहते हैं आपने। अब इसकी जो तीन आंस है, तीन बजी ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखें साउंड की तो जा रही है, अभी तक जा रही है। ये चीजें हैं जिससे म्यूजिक बनता है। ठीक है, अब ये माइनर स्केल अगर अब मेजर में आता तो ये राग है, लेकिन उस राग से ही बेसिकली म्यूजिक आगे जनरेट होता है। स्केल कह देते हैं, अंग्रेजी में स्केल है, क्लासिकल में राग, एक ऐसा मतलब 10 सुरों का, 7 सुरों का एक ऐसा ग्रुप, जैसे आप कहते हैं ये बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, तो ऐसे ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे गामा पादा निशा। अब उसमें कई राग हैं, कोई गामा पादा नहीं सा जाता है, कोई नीरे गा जाता है, कोई सारे मा पा जाता है। वो सा और गा को फोकस करके सा गा पा, थोड़ा नीचे आ जाए अगर तो फिर नी सा से सा गा पा सा, अब सा सा गा पा, अब बीटल आ गया, फिर ऊपर ये तीन ऑक्टेव होते हैं, मतलब ये ये हो गया ना साउंड बेस मिडिल शार्प, इसका फ्रीक्वेंसी, ये हार्मोनी का चीज़ें ऐसी। तो इनको समझने के लिए मौसीकी, जब आप पियानो पे बैठते हैं ना तो आपको पता चलता है बेस मिडिल ऊपर क्या मुड़, जैसे गाना कवाली ऊपर है, सूफी म्यूजिक तो बाद चीज़ें नीचे हैं ऐसी। अच्छा, वही राग है वो हर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब आपने वो राग सीख लिया, क्या ज़बरदस्त मैं कहती हूँ एक आर्टिस्ट की आप देखें कि क्या उसकी इंटेलिजेंस है कि उससे बस एक राग सीखे, उसको उसके आगे कोई भी आप रख देंगे इंस्ट्रूमेंट्स, वो उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट। जैसे दरबारी राग है अनोखा लाडला खलन को मांगे चांद, वो एक स्थाई है, उसकी ठुमरी है राग दरबार है। चले ये तबले का ताल चले तो उसका मूड हो जाए। अब ये डी माइनर स्केल है, हम ये भी कर सकते हैं इसको, ये डी माइनर स्केल, यानी माइनर स्केल में हमारा राग भी आ गया और हमारा सॉन्ग भी, इसमें लाइट भी आ गया और क्लासिकल भी आ गया, सूफी आ गया। म्यूजिक है ये
सुपर सुपर सुर वही है साज, लेकिन आप देखें कि कितनी ब्रांचें हैं मौसीकी की, कि मूड भी चेंज होता है, सुर वही है पूरी दुनिया में, सात सुर ही है और पांच बार खो जाता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि आप अगर इतने गौर से सुन रहे हैं। अब जैसा मैंने नोट किया कि जिस वक्त मैं म्यूजिक सुन रही थी, एक तरफ तो मैं ऐसे से कर रही थी और एक तरफ मेरा दिल करता मैं सो जाऊं। वो जो आपने दरबार वाला म्यूजिक बजाया, क्या सुकून है उसमें। मैं कहती हूँ प्रॉपर थेरेपी है काफू भाई, थेरेपी जो होती है म्यूजिक से। अगर आपने एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करना है और जिसमें आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी को रिलीफ देना है, तो उसका कोई म्यूजिक जनरेट करके आप हमें, जैसे हम एक सीन होता है सैड, एग्जैक्टली कोई बात कर रहा है या करेक्टर बात कर रहा है या हीरोइन उदास है या उसकी शादी नहीं हो सकती है, एक लव सीन है, तो वो क्या बयान करे, तो उसका क्या मूड होगा। ठीक है, उदास चल रहा है अभी तक, अब जब थोड़ा सा रोमांटिक मूड, जब फैसला हो गया कि भाई चलो हम करते हैं मिलके, तो अपने बोले ये म्यूजिक मौसीकी आपका करेक्टर बनाती है, इसमें से आपका हैप्पी मूड बनता है, आप सैड हैं ऐसी चीजें हैं, फिर खुशी होती है तो जैसे किसे रुकी करना